लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त को रखी जाएगी, लेकिन इसको मुहूर्त को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका शारदा मठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर निर्माण के मुहूर्त को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये आधारशिला रखने का सही समय नहीं है, यह अशुभ घड़ी है। उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर के ट्रस्ट में कोई पद नहीं चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण शुभ मुहूर्त में हो, राम मंदिर की आधारशिला सही समय पर रखी जाए। शंकराचार्य ने कहा कि 5 अगस्त की तिथि हिंदू कैलेंडर के दक्षिणायन भाद्रपद में है। 5 अगस्त को कृष्ण पक्ष की दूसरी तिथि है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद में मंदिर का निर्माण करना अशुभ है। शंकराचार्य के बयान पर अयोध्या के संत भड़क गए और शास्त्रों को चुनौती दे डाली। राम मंदिर के शिलान्यास के लिए पीएम मोदी के साथ कई हस्तियों को आमंत्रण भेजा गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। राम मंदिर के नक्शे में बदलाव किया गया है, अब मंदिर को 3 मंजिल बनाया जाएगा। राम मंदिर में 318 खम्बे रहेंगे। नए सिरे से नक्शे को तैयार करने में वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा लगे हुए हैं। 100 से 120 एकड़ में 5 गुंबदों में बनने वाला पहला राम मंदिर होगा। मंदिर निर्माण में लोगों से चंदा लिया जाएगा।